हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सीट आपको मैं करा रही हूँ डेली बेसिस पे। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सभी प्रकार की वीडियोज मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं, चाहे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर का वन लाइनर क्वेश्चंस एंड 79 वीडियोज मैंने तैयारी 2 में बीपीएससी में बनाया हुआ है, प्रैक्टिस कराया हुआ है। इंग्लिश हिंदी दोनों में सभी वीडियोज को जाके प्रैक्टिस कीजिए और सभी टॉपिक को थ्योरी सेशन भी डिटेल में पढ़ाया गया है, शॉर्ट में एकदम नोट्स बना करके दोस्तों, जो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो सभी चीज़ों के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए और डेली बेसिस में प्रैक्टिस करा रही हूँ। एंड दोस्तों, जैसा कि आपका जो एग्जाम डेट है अप्रैल में पड़ेगा बीपीएससी तैयारी 3 का, और फिक्स अभी एकदम नहीं हुआ है, 5 अप्रैल को बताया जा रहा है, बट मैं आप फिक्स करके आज भी वीडियो बना दूंगी उस पर भी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आपने बीपीएससी टीआई 2 या कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आप ये ऑब्जर्व किए होंगे कि जो भी मैंने प्रैक्टिस कराया है, थ्योरी सेशन कराया है, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। आप सबको पता है, सबसे पहले सीखने का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और इनके सीखने का सिद्धांत का नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो अपने परिवार से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है। तो दोस्तों, भूख, प्यास, अनुराग, ये तीनों प्राथमिक प्रवृत्ति है बट सेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर 23 दल है यानी 23 टीमें हैं तो नॉकआउट प्रतियोगिता के लिए कितने बाई दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर 23 दल हैं तो एक नॉकआउट प्रतियोगिता में कितने बाई दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बाई ज्ञात करने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। यहाँ पे n कितना है, 23 है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा, तो 23 के आगे। तो दोस्तों, देखते हैं 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5, यानी कि आएगा 32। 32 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9, यानी कि राइट क्या होगा, कितने बाई दिया जाएगा, 9 बाई दिए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले आप योजना बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है, माँ के सेक्स क्रोमोसोम्स की संरचना कैसी होती है। तो XX होती है और पिता का XY होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोथेरेपी को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जल से चिकित्सा पद्धति को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है, जैसे कि जल चिकित्सा पद्धति को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। इसके अंतर्गत गर्म पानी की चिकित्सा एंड ठंडे पानी की चिकित्सा दोनों होती है। गर्म पानी की चिकित्सा में जैसे कि वर्लपूल बॉथ यानी भंवर स्नान, जो बायोप्सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, एंड विलय स्नान यानी इमरेशन बॉथ, एंड गर्म और ठंडा स्नान को कंट्रास्ट बॉथ कहा जाता है। कंट्रास्ट बॉथ में पहले गर्म पानी, पहले ठंडा पानी, फिर गर्म पानी का प्रयोग अलग अलग बर्तन में रख करके किया जाता है, याद रखिएगा, सूजन को खत्म करने के लिए। एंड दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं सभी थेरेपी के बारे में, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज का आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्कोलियोसिस एक शारीरिक कुरूपता है जो संबंधित है। तो एक जो फिजिकल पोस्टर डिफॉर्मिटीज हैं, स्कोलियोसिस जो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, किससे, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि मेरुदंड यानी जो रीढ़ की हड्डी होता है उसके पार्श्व कुब्जता यानी कि लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन हो जाता है, यानी कि मेरुदंड यानी स्पाइन का एक ओर झुकना, जिससे शोल्डर जो है एक तरफ एंड हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। यानी इसमें दो प्रकार के आकृतियां बनती हैं, सी
जो सिंगल स्कोलियोसिस बोला जाता है, बाई और वक्र गोलाई हो जाता है, और एस जो डबल स्कोलियोसिस बोला जाता है, दोनों ओर वक्र हो जाता है। एंड इसके लिए करेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, विकृतियों को सुधारने के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज किया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि वाल बार, शरीर को विपरीत दिशा में झुकाना, साइड बेंडिंग एक्सरसाइज, ब्रेस्ट स्ट्रोक का अभ्यास सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है तैराकी, ब्रेस्ट स्ट्रोक का अभ्यास याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः स्थापना की प्रक्रिया में राइस शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों जो राइस शब्द होता है, पुनः स्थापना यानी कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, पुनः स्थापना जो होता है इसमें आर आई सी ई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आर से हो जाएगा रेस्ट, आई से हो जाएगा आइस यानी बर्फ लगाना, सी से हो जाएगा कंप्रेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना, सॉरी दोस्तों आर से रेस्ट, आई से आइस लगाना, बर्फ लगाना, सी से कंप्रेशन यानी कि दबाना हृदय की ऊंचाई से, हृदय के पहले यानी कि कंप्रेशन मतलब चोटिल भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग की तरफ दबाना, और जिससे कि उस भाग का रक्त संरचन रुक जाए यानी दर्द और सूजन कम हो सके, और इसके लिए टॉनिक बैंडेज का भी प्रयोग किया जाता है। और पी आर आर आई सी ई, ई से हो जाएगा एलिवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा होती है, जिसके जिसको फर्स्ट एड बोला जाता है यानी कि इसको थंब रूल भी बोला जाता है, और आर आई सी ई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब पहले आर आई सी ई था, अब शुरुआत में पी जोड़ दिया गया है, लास्ट में एस यानी पी आर आई सी ई एस हो गया है, पी से प्रोटेक्शन हो जाएगा, एस से सपोर्ट। नेक्स्ट है, त्वचा के ठीक नीचे पाए जाने वाले वसा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोला जाता है सबकुटेनियस वसा। नेक्स्ट है, भारी भार प्रशिक्षण के कारण बढ़ने वाले पेशी पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भार प्रशिक्षण या एक्सरसाइज या प्रशिक्षण के द्वारा जो मांसपेशियां बढ़ती हैं आकार आकृति में एंड मजबूत होती हैं, मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। तो दोस्तों मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं जब एक्सरसाइज व्यायाम या प्रशिक्षण के द्वारा जो मांसपेशियां मजबूत और आकार में वृद्धि होती हैं तो उसी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और एक्सरसाइज की कमी के कारण या किसी अनुवांशिक विकृति के कारण जो मांसपेशियां कमजोर और छोटी हो जाती हैं उसे ऑट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था पीपीएससी टीआई 2 में। तो दोस्तों आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपका एग्जाम 100% राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी पेशी कौन सी है। दोस्तों तो सबसे लंबी पेशी आप सबको पता है सार्टोरियस है, जांघ की। एंड सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस हिप की, कुल्हे की। सबसे छोटी पेशी है हमारे कान की स्टेपस। एंड सबसे मजबूत पेशी है हमारे निचले जब सॉरी दोस्तों सबसे छोटी पेशी है कान की स्टेपिडियस। एंड सबसे मजबूत पेशी है निचले जबड़े की मसेटर मसल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ के पीछे की पेशियों को कहा जाता है। तो दोस्तों जांघ के ऊपर वाले पेशी को क्वाड्रिसेप्स बोला जाता है, और जांघ के पीछे वाले यानी सामने वाले को क्वाड्रिसेप्स और पीछे वाले को हैमस्ट्रिंग मसल्स बोला जाता है। जो पीछे वाला मसल्स होता है हैमस्ट्रिंग, वो हमारे घुटने को मोड़ने में काम आता है, और ये तीन पेशियों के ग्रुप से बना होता है, जैसे बाइसेप्स फेमोरिस बाइसेप्स फेमोरिस सेमी मेम्ब्रेनियस एंड सेमी टेंडेनियस, तीन पेशियों से मिलकर बना होता है याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और जांघ के सामने वाली जो पेशी होती है उसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, ये चार पेशियों से मिलकर बना है, रेक्टस फेमोरिस वास्टस मीडियलिस वास्टस लेटरलिस वास्टस इंटरमीडियलिस,
ये चार पीसियों से मिलकर बना होता है जो हिप को मुड़ने और घुटने को प्रसार करने में कार्य करता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन का रिसाव किया जाता है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किशोरावस्था के पूर्व तक किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सबको पता है यह विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ये 1985 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो दोस्तों वहां पे ऑप्शन जैसे कि महिलाओं ने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था 1900 पेरिस फ्रांस में। तो याद रहेगा करेक्ट आपको, तो आंसर आप आसानी से दे लेंगे चाहे किसी भी प्रकार से फंसाएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन में 1900 पेरिस फ्रांस ऑप्शन भी नहीं था जबकि एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था। तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट होगा जब इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। तो नेक्स्ट है जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। दोस्तों तो इन्होंने प्रयोगवाद एक्सपेरिमेंटिज्म में यानी कि व्यवहारवाद इसे कहा जाता है, वास्तविकतावाद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। एंड प्रकृतिवाद के जनक यानी नेचुरलिज्म के जनक हैं रूसो। एंड रियलिज्म यानी यथार्थवाद के अरस्तु। आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म के प्लेटो हैं। नेक्स्ट है कंकाल पेशी में सबसे बाहरी संयोजी ऊतक की सतह कौन सी है। तो जब हमारी स्केलेटल मसल्स होती है तो उसके सबसे बाहरी सतह होती है एपिमाइसियम यानी कि संपूर्ण मांसपेशी को ढकी रहती है। सबसे बाहरी सतह होती है एपिमाइसियम यानी कि संपूर्ण मांसपेशी को ढके रहती है एपिमाइसियम और मांसपेशी तंतुओं के समूह को ढके रहती है पेरिमाइसियम और एक मांसपेशी तंतु को ढके रहती है एंडोमाइसियम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल एंड साकेट ज्वाइंट जो होता है किस प्रकार का होता है। तो ये हमारे जो हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट होता है जो सभी दिशाओं में गति कर सकती है यानी मल्टी एक्सियल ज्वाइंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन एक द्वि संधि पेशी है जो हमारा कब्जा संधि होता है जो इसे कोर संधि भी कहते हैं, हिंज ज्वाइंट भी कहते हैं, जो एक तल में गति होता है दोस्तों। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका जो हमारा कार्डिलाइड ज्वाइंट होता है जो हमारे रिस्ट ज्वाइंट होता है वो द्वि संधि गति होती है। तो यहाँ पे बाइसेप्स ब्रोंकी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अवस्था में माध्यमिक सेक्स गुण उत्पन्न होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है किशोरावस्था टीन एज लाइफ में। नेक्स्ट है सन 2016 में किस शहर ने ओलंपिक की मेजबानी की थी। तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। एंड 2020 का टोक्यो जापान में हुआ था। एंड 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा। एंड 2028 का लॉस एंजिल्स अमेरिका में संपन्न होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हरबंस सिंह ने एक कौशल की परीक्षा बनाई थी जो टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन में मैंने सभी स्किल टेस्ट को अच्छे से बताया हुआ है। तो हरबंस सिंह ने हॉकी में बनाया हुआ है हॉकी के टेस्ट के लिए हॉकी का परीक्षण बनाया हुआ है हॉकी। और दोस्तों स्किल टेस्ट के अंतर्गत जैसे कि पूछा जाता है जैसे टेनिस में डायर टेनिस टेस्ट, ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट, एवरी रिचर्डसन टेस्ट पूछा जाता है, बैडमिंटन टेस्ट के अंतर्गत मिलर वॉल वाली टेस्ट, फ्रेंच स्टेल्टर बैडमिंटन टेस्ट एंड वॉलीबॉल के अंदर रसल लेंच वॉलीबॉल टेस्ट, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट एंड बास्केटबॉल के अंतर्गत जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट, नॉर्क द बास्केटबॉल टेस्ट, स्ट्रोक बास्केटबॉल टेस्ट एंड हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट, सॉकर टेस्ट यानी फुटबॉल टेस्ट के अंतर्गत एमसी डोनाल्ड सॉकर टेस्ट, जोहानसन सॉकर टेस्ट एंड क्रेव सॉकर टेस्ट आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम के समय भारत के खेल मंत्री कौन थे। तो 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम था राष्ट्रमंडल खेल भारत में संपन्न हुआ था और यहाँ पे उस समय थे
खेल मंत्री M.S. गिल, लेकिन वर्तमान में कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर है। नेक्स्ट है, यदि एक टेबल टेनिस खेल टेबल की जो लंबाई 9 फीट है तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? फीट में 9 फीट है तो एक फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, तो 30 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, तो आपके 9 त्रिक 27 यानी कि 2.74 मीटर होगा। ठीक है, 2.74 मीटर होगा। नेक्स्ट है, निरंतरता की अधिकता वाले खेल के लिए भोजन में प्रचुरता होनी चाहिए। निरंतरता यानी कि एंड्योरेंस की बात कर रहा है, सहनशीलता की बात कर रहा है, एरोबिक क्षमता की बात कर रहा है। इस कंडीशन वाले खेल के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जबकि अनएरोबिक क्रिया यानी कि हाई इंटेंसिटी जो होती है, स्ट्रेंथ डेवलप करने वाली चीजों में प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है बॉडी बिल्डर फूड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी का कॉन्सेंट्रिक एवं इसेंट्रिक संकुचन एक भाग है। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक यानी कि पेशी की लंबाई घटती और बढ़ती दोनों है, वो होता है आइसोटोनिक कंट्रक्शन में, आइसोटोनिक कंट्रक्शन में, जबकि आइसोमेट्रिक में सेम लंबाई होता है, पेशी की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, जैसे दीवार को धक्का मारना। आइसोकाइनेटिक में जो होता है, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, सेम गति होता है जैसे मशीनों द्वारा किया जाता है ज्यादातर पानी वाले खेलों में, जैसे रोइंग, तैराकी आदि। नेक्स्ट है कि मासिक धर्म चक्र क्या सामान्य समय क्या होता है? तो दोस्तों इसका सामान्य समय होता है 28 से 30 दिन। नेक्स्ट है, यदि 5 अंकों का माध्य 25 है तथा विचलन 0 है तो पांचवें अंक का मान क्या होगा? तो दोस्तों यह सांख्यिकी से है, तो इसका अंक का मान 25 ही होगा। इसको मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी टाइम मिलते ही। नेक्स्ट है दोस्तों, परकुजन मैनिपुलेशन का दूसरा नाम क्या है? ये मसाज से रिलेटेड है, जैसे कि मसाज 4 प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने शॉर्ट में एकदम अच्छे तरीके से बहुत कम समय में मसाज को मैंने कवर किया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो मसाज 4 प्रकार के हैं, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परकुजन, शैकिंग यानी सहलाना, दबाना, थपथपाना एंड झकझोरना। जो स्ट्रोकिंग होता है 2 प्रकार का होता है, प्रेशर जो है 3 प्रकार का होता है, चुकोट नीडिंग, पैट्रिसाज एंड फ्रिक्शन यानी कि गुथना, चुकोटना एंड घसर करना। जो परक्यूजन होता है, इसे थक थका थपथपाना या टेपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेपोटमेंट। जो थपथपाना होता है, टेपोटमेंट जो होता है, ये 4 प्रकार का होता है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। ये हाथ की हथेलियों का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। हैकिंग मतलब हथेली से हल्का हल्का प्रहार, क्यूपिंग मतलब हथेली को प्याले का आकार देकर के थपथपाना, बीटिंग मतलब मुक्का बनाकर, और पाउंडिंग मतलब हथेली की गुलाकी वाला भाग, अंगूठा, छोटी उंगली से तबले जैसे बजाने जैसे क्रिया किया जाता है। चौथा होता है शैकिंग, जिसमें वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन और शैकिंग 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल शुरू होता है। तो दोस्तों हॉकी खेल सेंटर पॉज से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में बराबरी होने पर यानी बाई हो जाए, टाई हो जाए, उस कंडीशन में प्रथम स्थान कैसे निश्चित किया जाता है? तो दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाता है, यानी कि अगले अच्छा परिणाम को देखकर निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है, एक्सपेडाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो यह टेबल टेनिस में किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया होने का कारण है। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया रेबीज जो है एक वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है जो कुत्ते के काटने से फैलता है, यानी कि एक स्तनधारी जीव द्वारा दूसरे स्तनधारी में फैलता है, जिसमें पानी से डर लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 50वां प्रतिशांक जाना जाता है। तो 50वां प्रतिशांक जाना जाता है माधिका के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों, बॉस स्टिक परीक्षण उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बॉस स्टिक, या जैसा कि नाम सुनने में ही समझ में आ रहा है, यह संतुलन यानी कि बैलेंस मापने हेतु किया जाता है, संतुलन यानी बैलेंस मापने हेतु किया जाता है।
एंड नेक्स्ट है ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो ऊंचाई मापने वाले यंत्र को स्टेरियोमीटर कहा जाता है। डायनेमोमीटर से स्ट्रेंथ यानी शक्ति मापा जाता है। गोनियोमीटर से जोड़ों के कोण या लचीलापन को मापा जाता है। नेक्स्ट है सीट एंड रीच टेस्ट की किसको मापता है, किसकी एक परीक्षा है, तो दोस्तों सीट एंड रीच से फ्लेक्सिबिलिटी, लो बैक एंड हेमिस्टिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन मापा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने जो मुख्य मुख्य चीजें हैं मैंने बताया हुआ है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी मापने के लिए सीट एंड रीच टेस्ट, टीजी टेस्ट, साइड स्प्लिट टेस्ट, ब्रिज ऑफ टेस्ट, गोनियोमीटर टेस्ट, फ्लेक्सोमीटर टेस्ट होता है, एंड शोल्डर एंड रिस्ट इलेवेशन टेस्ट भी होता है, एंड जो एजिलिटी चपलता मापने के लिए साइड स्टेपिंग, ऑब्स्टेकल रन या बॉडी हर्डल रेस, एंड शटल रन, एंड सेमो एजिलिटी टेस्ट, डजिंग रन टेस्ट आदि आता है। एंड दोस्तों बैलेंस के लिए जैसे कि स्टैटिक बैलेंस एंड डायनेमिक बैलेंस दो प्रकार के मापा जाता है, तो उसको वीडियो आप देख लीजिएगा टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन में। एंड आपका जो स्पीड मापने का टेस्ट होता है, जैसे कि 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, 50 मीटर यार्ड डॉस, एंड डिस्टेंस टेस्ट फॉर 4.6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। और कोऑर्डिनेशन मापने के लिए दोस्तों होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट, आई फुट कोऑर्डिनेशन टेस्ट, अपर लिंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट एंड पेनिकॉप टेस्ट। और रिएक्शन टाइम को, प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए है रूलर ड्रॉप टेस्ट, स्टिक ड्रॉप टेस्ट आदि होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक विचलन किस केंद्रीय प्रवृत्ति के मांग से अन्य अंकों के फैलाव को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मीन यानी कि माध्य। नेक्स्ट है हृदय परिसंचरण दृढ़ता मापने की रच परीक्षा है, यानी कि कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस जो होता है उसको मापने की परीक्षा क्या है दोस्तों, तो इसमें आपका 50 मीटर फर्राटा दौड़ी हो जाएगा स्पीड मापने का टेस्ट, शटल रन जो है यो एजिलिटी यानी चपलता मापने का टेस्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे 12 मीटर कूपर दौड़ चाल परीक्षा जो है यह इंड्योरेंस डेवलप करता है, यानी कि कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मेजर करता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों इस स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी धमनी रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती है, तो दोस्तों आप सबको पता है पल्मोनरी धमनी ले जाती है अशुद्ध रक्त को हृदय फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, फिर शुद्ध होकर पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं नीला में आता है, बाएं नीला से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है। पल्मोनरी महाधमनी का प्रथम जो शाखा होता है वो कोरोनरी धमनी होता है जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है परिपक्वता के आने तक कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गायब हो जाती है अथवा बहुत छोटी हो जाती है, तो दोस्तों वो होता है थाइमस ग्लैंड जो होता है, जो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। बच्चों में ज्यादा होता है इसलिए बच्चे कुछ भी मिट्टी वगैरह भी खा लेते हैं तो वो ज्यादा ग्रसित नहीं होते हैं, अब बड़े होने पर यह गायब हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एक हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल का अनुपात क्या होता है, यानी कि जो निलय संकुचन एंड प्रसारण जो समय होता है, तो सिस्टोल जो होता है वो 3 सेकेंड का होता है, 0.3 सेकेंड का, और डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकेंड का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड यानी कुल 0.8 सेकेंड का होता है। एंड जब आपको पूछ देगा ऑर्टियल सिस्टोल एंड डायस्टोल यानी अलिंद संकुचन प्रकुंचन एंड अनुशीथलन,
तो ऑट्रियल सिस्टोल यानी कि अलिंद प्रकुंचन जो होता है 0.1 सेकेंड, अलिंद अनुशीथन यानी ऑट्रियल डायस्टोल जो होता है 0.7 सेकेंड का होता है। यानी कि जो अलिंद और निलय कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है वो 0.4 सेकेंड का होता है और रेस्ट का टाइम होता है 0.4 सेकेंड, यानी कि एक हृदय धड़कन में 0.8 सेकेंड समय लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें कौन सी एक अदिश राशि है? तो दोस्तों अदिश राशि यानी जिसमें केवल दिशा की, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश मतलब बिना दिशा का, और सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वजन, गुरुत्वाकर्षण, वेग, ये दोनों तीनों सदिश राशि है, जबकि आयतन जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक में विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाता था? तो आप सबको पता है जैतून के पत्तों का मुकुट दिया जाता था। नेक्स्ट, वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय दलों के हिस्सेदारी का निर्धारण करती है तो वह होता है भारतीय ओलंपिक संघ IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में सर दुराबजी टाटा के प्रयास से किया गया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में अल्टियस क्या शब्द क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ओलंपिक आदर्श वाक्य मोटो जो है उसकी रचना हेनरी डिडान ने किया था जो 1881 में, और तीन सीटीएस, आरडीएस, फोर्टीएस की इन्होंने आदर्श वाक्य की रचना की थी, और चौथा शब्द जुड़ गया है कम्युनिटर, यानी कि वर्तमान में है सीटीएस, आरडीएस, फोर्टीएस, कम्युनिटर, यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर, यानी कि और तेज, और ऊंचा, और बलशाली, एक साथ, यानी अधिक तेज दौड़ना, अधिक ऊंचा कूदना, अधिक मजबूत होना, यानी एक साथ चलना। तो यहाँ पे सीटीएस, आरडीएस, फोर्टीएस, और तेज और ऊंचा, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊंचा आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, वह परीक्षण जो प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम को मापता है, तो दोस्तों रिएक्शन टाइम को रोलर ड्रॉप टेस्ट एंड स्टिक ड्रॉप टेस्ट दोनों मापता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपका सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने गलत बताया हुआ है उसको ही बताइएगा दोस्तों। तो डेली बेसिस पे आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।